मुंबई गोवा हायवेवर आजपर्यंत अनेक भीषण अपघात झालेले आपण पाहिले आहेत। याचमुळे या हायवेच्या रुंदीकरणाची मागणी गेल्या कित्येक वर्षांपासून करण्यात येत आहे। या मागणीनंतर पनवेल गोवा हायवेच्या रुंदीकरणाचं काम देखील सुरू करण्यात आलं आहे, मात्र कोर्टाच्या स्टे ऑर्डरमुळे कित्येक ठिकाणी या रुंदीकरणाचे काम रखडले गेले आहे आणि यामुळेच या हायवेवरून प्रवास करणाऱ्या वाहनांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे। मात्र याची दुसरी बाजू म्हणजे कित्येक वाहन चालक या हायवेवरून कसलाही विचार न करता बेफिकीरपणे गाडी चालवतात आणि आपले जीवन संपवण्याच्या मार्गाला लागतात। काहीसा असाच अपघात मुंबई गोवा हायवेवर कर्नाळा अभयारण्य नजीक पाहायला मिळाला। मुंबई गोवा हाईवे को पिछले कई सालों से चार लेन में बदलने की मांग तूल पकड़ रही है और हालांकि वो जद्दोजहद भी जारी है, लेकिन कुछ जगहों पर कोर्ट के स्टे ऑर्डर की वजह से काम रुका हुआ है। लेकिन इसी बीच कुछ वाहन चालक ऐसे भी हैं जो बेदरकार होकर गाड़ियां चलाते हैं, जिसका खामियाजा आम नागरिकों को या अन्य वाहन धारकों को भुगतना पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऐसा जो टैंकर है जो एलपीजी गैस से पूरी तरह से लबालब भरा हुआ है, जो इस वक्त दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ये तो गनीमत रही कि इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और ना ही ये टैंकर लीकेज हुआ है। इमेजिन किया जा सकता है कि अगर ये टैंकेज लीकेज होता तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। इस पूरे हादसे को देखने के बाद पता चलता है कि वाहन चालक कितनी लापरवाही से इस तरह से वाहन चलाते हैं जो किसी के जान पर भी बना सकती है। हमारे साथ इस वक्त ट्रैफिक के कर्मचारी उपस्थित हैं, ट्रैफिक हवलदार उपस्थित हैं, उनके साथ हम बात करेंगे और जान लेंगे कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। साहब, कैसे हुआ यह हादसा? यह हादसा, ये जो टैंकर है, ये टैंकर पनवेल से अपना पेन साइड में जा रहा था जी। उस टाइम दो तीन के टाइम से दोपहर उस टाइम से ड्राइवर टर्न्स के हिसाब से नीचे गया। वो कुछ प्रॉब्लम वो तो मालूम नहीं, ड्राइवर को पुलिस स्टेशन में ताबे में लिया है जी और कार्रवाई आगे चालू है। ये जो दुर्घटना हुई है इसमें कुछ हताहत होने की खबर है या फिर कुछ और? कुछ नहीं हुआ, गाड़ी ऐसे ड्राइवर के क्या प्रॉब्लम हुआ मिस्टेक हुआ वो हमें भी मालूम नहीं है। वो गाड़ी नीचे गया है, नीचे से आप ये एलपीजी से भरा हुआ सिलेंडर ये है, टैंकर है, तो क्या इसको निकलवाने के लिए कोई एहतियात बरते जाएंगे? हाँ, ये कल केमिकल एक्सपर्ट भी आए थे जी। उन्होंने भी देखा है और शाम का टाइम था, इसको वो टाइम निकाला नहीं, कुछ गैस लीकेज भी नहीं है और आज सुबह निकलने वाले हैं एड्रेस से। जब वो मालिक आएंगे तब और साहब लोग भी आएंगे, उस टाइम निकल देंगे। ये हादसे जिस तरह से रूप ले रहे हैं बड़े बड़े तादाद में, उसे देखकर ये पता चलता है कि वास्तव में या तो ये जो सड़क है मुंबई गोवा हाईवे है उसकी चौड़ाई बढ़ाना बहुत जरूरी है, और दूसरी तरफ वाहन धारकों ने भी इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में उतारना चाहिए कि जीवन अनमोल है और उसके लिए वो नियंत्रित गति से गाड़ियां चलाए। कैमरा पर्सन अजीत जाधव के साथ कर्नाला टीवी के लिए हरीश मोकल।